नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं हूं दिवाकर तिवारी। इस वक्त हम खड़े हैं पटना के जीपीओ गोलंबर पर और जीपीओ गोलंबर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। हम इस बार निकले हैं पटना के हरेक वो चौक चौराहों पर, उन चौक चौराहों को आपको दिखाएंगे। उन चौक चौराहों पर क्या स्थिति है, जो अगर आप जीपीओ गोलंबर से जंक्शन जा रहे हैं तो आपको कितना जाम का सामना करना पड़ता है और किस तरह की समस्या होती है। प्रतिबंधित क्षेत्र है ऑटो एवं ई रिक्शा, लेकिन फिर भी ऑटो और ई रिक्शा इधर लगा हुआ है। तो क्या कारण है कि लोग जो ऑटो है या रिक्शा है या जो भी दुकानें वो सड़क पर लगती है, जो आवागमन के साधन होते हैं, जो लोग आन जान करते हैं, उनको काफ़ी परेशानी होती है। अगर आपको ट्रेन पकड़ना है जीपीओ से और अभी आप जंक्शन की ओर जाएँ तो आधा किलोमीटर 500 मीटर जाने में कम से कम आपको आधे घंटे का समय लगेगा। उसका कारण है कि पूरा सड़क जो है वो अतिक्रमित है, कहीं चौक ऑटो लगा हुआ, रिक्शा लगा हुआ, तो कहीं छोटे छोटे दुकानदार लगे दुकान लगाए हुए हैं। इस कारण से ये ऑटो और ये जो सड़क है यहाँ से आप जंक्शन जाने में आपको काफ़ी परेशानी होती है और कुछ ऑटो इधर भी लगे हुए। ये बताइए आप लोग ऑटो इधर क्यों लगाए हैं? ये जो है ना, ये स्टैंड है, हम लोग का ये स्टैंड है और वो दानापुर स्टैंड है। प्रतिबंधित क्षेत्र जो है ना, वो जितना स्टेशन से यहाँ जीपीओ गोलंबर तक जितना भी ठेला जो लगा हुआ है कपड़ा का दुकान, सब रोड पे है और उसके कारण से प्रतिबंधित में सरकार जान को लगाई से जान को लगाई से कि ऑटो वाला कमाए नहीं, खाली हम लोग कमाए। ये जान का पैसेंजर जाने के लिए स्टेशन तैयार रहता है, पैसेंजर से हम लोग का लड़ाई होता है प्रतिदिन। हम लोग का स्टेशन चाहिए, स्टेशन जाने दीजिए, हम लोग का ट्रेन छूट रहा है तो ये छूट रहा है। अब यहाँ सवारी से उतरते हैं तो हम लोग के मन मुआ ठेठी मने प्रतिदिन दो चार गाड़ी वाला से होना ही है, इस तरह का झमेला है। तो ये जो सड़क जाम होती है आप लोग ऑटो लगाने से, आप लोग प्रशासन से नहीं मांग करते कि हम लोग को स्टैंड दिया जाए? प्रशासन से कहा जाता है तो कह रहा है कि स्टैंड तो यही है आपके पास। प्रशासन से तो कहा गया तो उनसे कहा गया, इससे तो आप लोगों को गाड़ी वाले से भी झगड़ा होती होगी, आम लोगों से भी झगड़ा होता होगा। हाँ, बहुत लफड़ा होता है कि अब प्रशासन देखता है ना तो बोलबो करता भाई आगे बढ़ाओ, अब आगे बढ़ा ले चलते पैसेंजर पर कोई इज्जत नहीं है इसी तरह। तो ये टेम्पू वाले हैं जिनका कहना है कि हमें जो स्टैंड दिया गया है, हमारा जो मांग है कि प्रशासन हमें अलग स्टैंड दे ताकि अपनी गाड़ी को हम लगाएं, लेकिन इनकी भी अपनी अलग मांग है। और जो सड़क है वो सड़क आप देखिए किस प्रकार की, जो चौड़ी सड़क है वो संकुचित हो गई है, संक्रमित हो गई है। संक्रमित होने के बाद जो सड़क है वो छोटी हो गई है और छोटी होने के बाद जो लोग जाते हैं, जो और भी गाड़ियां जाती है, वो गाड़ियां उन गाड़ियों का आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। साथ साथ दूसरी तस्वीर आप देखिए कि जो सड़क के किनारे हैं दुकान लगे हुए हैं, तो जो भी है सड़क को इनक्लोज किया गया है। सड़क इनक्लोज हो जाने के कारण जो आम लोग हैं आवागमन में उन काफ़ी परेशानी होती है। बताइए क्या आप ऑटो चलाते हैं, क्या दिक्कत है आप लोग? देखिए दिक्कत ये है कि हम लोग को तो जगह है तो हम लोग अपनी जगह पर हैं, उन लोगों की जगह नहीं है। उसकी वजह जाम लगने की वजह ये है कि एक साइड से पूरा का पूरा दुकान लगी है, दुकान अगर नहीं रहेगा तो हम लोग साइड में रहेंगे क्योंकि स्टैंड नहीं है, तो स्पेस कम के वजह से पॉपुलेशन बढ़ जाता है, उसके कारण जो सबकी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब पटना जंक्शन गाड़ी नहीं जाती है, पैसेंजर यहाँ पर डिस्कस करती है फजूली, हमने वो बोर्ड भी दिखाता हूँ, एक सामने बोर्ड भी है कि प्रतिबंधित गाड़ी यहाँ से नहीं जाती, फिर भी लोग नहीं मानते हैं। स्टेशन पर गाड़ी जो बंद हो गई है फिर भी स्टेशन पर गाड़ी जा रही है, हवा हवाई देखिए अभी जा भी लेने लगा, मैं वहीं से आ रहा हूँ, ऑटो भी देखिए वहाँ पर भरा हुआ है, तो प्रतिबंध है कहाँ? प्रतिबंध तो ये जब किसको वोट को आपने टांगा है तो इसका सम्मान रखना है ना, कि प्रतिबंध लग गया गाड़ी नहीं जाती, फिर भी गाड़ी कैसे चली जाती है ये मैं जानना चाहता हूँ। चलिए, तो ये ऑटो ड्राइवर इनका कहना है साफ तौर से कि जो स्टैंड है हमारे लिए स्टैंड बनाया गया उसको भी इनक्लोज कर दिया गया, स्थानीय जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनको लेकर, जिस कारण सड़क जो है वो संकुचित हो जाती है और जो लोग आवागमन आने जाने के लिए लोगों को साधन नहीं मिल पाता। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार जो जीपीओ गोलंबर का इलाका है, और जीपीओ गोलंबर अगर कहा जाए तो पटना का बहुत ही व्यस्तम इलाका है, यहाँ से जिसको जंक्शन जाना है, जो लोग आते हैं आपके गर्दनी बाग से, आर ब्लॉक से जो लोग आते हैं उन लोगों को इसी रास्ते से होकर जंक्शन जाना पड़ता है। लेकिन जो ये आप सड़क देख रहे हैं किस प्रकार जो दुकानें लगी हुई है सड़क पर, सड़क जो है बिल्कुल एकदम संकुचित हो गई है, संकीर्ण हो गई है सड़क, और इस सड़क पर चाहे वो चरपहिया वाहन हो, दोपहिया वाहन हो, चाहे वो पैदल चलने वाले हो,
सभी लोगों को आना जाना पड़ता है, लेकिन जो ये अतिक्रमण है आप देख सकते हैं किस प्रकार जो ठेले खुमचे हैं की दुकानें हैं वो लगी हुई है, रोजमर्रा के जो दुकान है वो लगी हुई है और लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जरूर बात करेंगे, लेकिन आपको तस्वीर साफ तौर देखिए किस प्रकार से जीपीओ गोलंबर का इलाका है, जो अतिक्रमण के कारण ये इलाका कितना जो है संकुचित हो गया है और जो लोग आ रहे हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, परेशानी का सबब बना है। सबसे बड़ा सवाल प्रशासन से है कि जब आपने यहाँ बोर्ड लगाया है, प्रतिबंधित क्षेत्र का बोर्ड लगाया है, तो आप इस पर कार्रवाई नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं? जो लोग यहाँ अतिक्रमण किए हैं उन पर आपकी कार्रवाई क्यों नहीं होती है? चाहे जो भी दुकान हो या चाहे ऑटो वाला हो या टेम्पो वाले हो या ई रिक्शा हो, उनके लिए एक अस्थायी जो है स्टैंड दिया जाए, चाहे उनके जहाँ से वो अपनी गाड़ी खोल सके, जहाँ से अपनी गाड़ी लगा सके, लेकिन सड़क पर ही गाड़ियाँ लगती है और सड़क पर गाड़ी लगने के कारण जो है इनक्लॉज होता है और अतिक्रमण हो रहा है। तो पटना का जो जीपीओ गोलंबर है, यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार जो है यहाँ पर प्रशासन के ना लोग नज़र आते हैं, ना नगर निगम के कोई कर्मी नज़र आते हैं और जो सड़क है, सड़क बिल्कुल ही जो है एकदम छोटी हो चुकी है। इस सड़क पर ही लोग आते हैं, इसी सड़क पर ऑटो लगा रहता है, इसी सड़क पर आपको गाड़ी लगी है, चाहे जो भी लोग है जिधर से भी लोग को आना होता है वो लोग इधर से ही आते जाते रहते हैं। तो पटना जीपीओ गोलंबर की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे और जीपीओ गोलंबर की स्थिति यह है कि जो भी यहाँ पर दुकानें हो या ऑटो हो या ई रिक्शा वाले हो, सभी लोग इस सड़क को इनक्लोज कर चुके हैं और प्रशासन की जो निगाह है इस ओर नहीं है। इससे आम आदमी को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चलते हम अगले चौक की ओर और अगले चौक की आपको हम तस्वीर दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद है पटना जंक्शन पर और पटना जंक्शन का जो ये गोलंबर है, यहाँ से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये सामने पटना जंक्शन है और पटना जंक्शन के जस्ट बगल में महावीर मंदिर है और महावीर मंदिर के सामने जो गोलंबर है वहाँ पर मौजूद है। और ये जो आप देख रहे तस्वीरें, ये जीपीओ गोलंबर से रास्ता आ रहा है, यानी जो लोग गर्दनी बाग और फुलवारी शरीफ से आते हैं उधर से ही रास्ता आ रहा है। और ये जो आप सड़क देख रहे हैं, सड़क की स्थिति को आप देख रहे हैं क्या है कि सड़क पर जो लोग हैं किस प्रकार जो है ऑटो और बस के जाम के बाद जो एक छोटा सा एक मात्र रास्ता बचता है, छोटा सा एक जगह बचता है, उसी रास्ते से जो भी चाहे वो फोर व्हीलर गाड़ी वाले हो, टू व्हीलर गाड़ी वाले हो, पैदल चलने वाले लोग हो, वो लोग इधर से गुजरते हैं। ये बताइए सड़क जाम रहता है कितना परेशानी होता है? बहुत परेशानी जाम प्रशासन बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक प्रशासन बहुत ज़्यादा यहाँ पर। अभी जीपीओ गोलंबर से आने में कितना देर लग जाता है? अभी अगर पैदल चले तो नहीं, पैदल चले जीपीओ गोलंबर से और स्टेशन जाने में कम 20 मिनट लग जाता है, जितना जाम लगता है यहाँ पे बहुत जाम लगता है, बहुत ज़्यादा। क्या लगता है यहाँ पर? लगता है कि कखनी कौन गाड़ी चाप दे, जो स्थिति है अभी डर भी लगता है, इतना डर लगता है जाम लगा कर रखे हुए तो। हाँ, जाम का निजात कब मिलेगा भगवान जाने, ये स्थिति है। तो जाम का निजात कब मिलेगा भगवान जाने। दूसरी तस्वीरें आपको देखिए किस प्रकार जो ये रास्ता है, ये रास्ता यहाँ से जो स्टेशन से जो निकलता है जंक्शन से, तो ये डाक बांग्ला, गांधी मैदान, नेहरू मार्ग, जो भी तारा मंडल जो जाने वाला रास्ता, उस रास्ते की तस्वीर भी आप देखिए किस प्रकार जो है वहाँ पर जो है इनक्लोज किया गया है, अतिक्रमण किया गया है। जो गाड़ियाँ चलती हैं उन गाड़ियों के चलते गाड़ी जो है बेतरतीब ढंग से जाम तहाँ लगाया जाता है, साथ ही जो गाड़ियाँ आदि है किस प्रकार जो उनका अपना अलग दिशा है, इधर से बिना कोई रॉन्ग साइड से गाड़ियाँ अंदर जा रही है, लेकिन यहाँ पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं जो देखने वाले हैं उनको कहीं कोई मतलब नहीं है कि गाड़ियाँ किस प्रकार चल रही हैं, क्या हो रही हैं, इससे आम राहगीरों कितनी परेशानी होती है। देखिए दो दो जो पुलिस कर्मी हैं यहाँ पर लगे हुए ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए, लेकिन जो गाड़ियाँ हैं जिधर से जिसको मन किया उधर से घूम जा रहा है। साझा दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये जो तस्वीर है ये आप देखिए किस प्रकार जो ये रास्ता है, ये रास्ता राजेंद्र नगर की ओर जाता है, लेकिन इस रास्ते की अगर बात की जाए, कंकड़बाग राजेंद्र नगर जाने वाले लोगों के लिए रास्ता है, इस रास्ते की बात की जाए तो यहाँ पर भी जगह जगह पर टेम्पो लगे हुए हैं, टेम्पो के साथ साथ जो छोटे छोटे दुकान हैं वो दुकानें लगी हुई है, सड़क पर दुकान सजी हुई है। और जो पटना का जो ये इलाका है व्यस्तम इलाका है, जो भी लोग जंक्शन आते हैं जंक्शन से उनको अपने गंतव्य में जाना होता है, अपने जगह पर जाना होता है, वो इसी रास्ते का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो स्थिति है सड़क की, उसे देख कर आप भली बात समझ सकते हैं कि अगर पटना जंक्शन से जो लोग उतरे हैं उनको PMCH जाना है तो PMCH जाने में कम से कम उनको आधा से पौन घंटा लग जाएगा, वही अगर
अगर वो आप एयरपोर्ट की ओर जाना चाहते हैं तो एयरपोर्ट जाने में भी काफी समय, क्या लगता है यहाँ जाम लगा रहता है, कितनी परेशानी होती है? परेशानी तो बहुत होती है, यहाँ से मान के चलिए अभी पीएमसीएच कोई डॉक्टर के पास जाना है दिखाने के लिए तो समझिए जो 10 मिनट का रास्ता नहीं है लेकिन आधा एक घंटा लग जाता है जाने में, जाम तो बहुत ज़्यादा है, इस बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ ओवरब्रिज होना चाहिए और वगैरह वगैरह ओवरब्रिज चाहिए, जाम बहुत लगता है। आप इनको डेली अप एंड डाउन करते हैं? नहीं, हम तो डेली नहीं, वैसे अभी तो काम से आए हैं, डेली आना जाना नहीं है हम लोग का, लेकिन जाम लगा रहता है बहुत जाम। तो जो लोग आने जाने वाले लोग हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो यहाँ से, ये बताइए जो सड़क जाम रहती है काफ़ी अतिक्रमण है, क्या लगता है? क्या लगता है इसका समाधान होता है? फिर शाम में वही हो जाता है। इसका जिम्मेवार किसको मानते हैं? जनता भी है, लोकल दुकानदार सब है जो पैसा दे के पुलिस को खरीद लिया है। सड़क पर गाड़ियाँ लगी रहती है, हाँ हाँ हाँ, वो सब प्रशासन का खेला है, वो लोग पैसा लेता है। अभी प्रशासन को मन होगा आपको उठा के फेंक देगा वहाँ पर, यहाँ दुकान लगा देगा, सही है कि नहीं? वही है तो कशिश न्यूज चूंकि हम बराबर देखते हैं इसलिए हम खड़ा हो गए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या लगता है जो सड़क इस तरह से इनक्लोज है दुकानदारों द्वारा, ऑटो द्वारा, क्या लगता है? क्या लगेगा, ये तो बहुत दिनों बाद से है, बहुत हम लोग बच्चा थे, बच्चा में भी पटना आते थे तो इसी तरह है, आज भी यही है। जब से आ रहे पटना वही हाल है, जब से हम पटना आ रहे हैं जब से आज तक यही है, कुछ बदलाव नहीं हुआ, बदलाव नहीं है यहाँ पे, तो बदलाव नहीं हुआ है। अब पुल इस तक तो बना है, ओवर ब्रिज वगैरह तो बना है, जाम तस का तस लगा हुआ, जाम तो तस लगा हुआ है, पुल बना है, ओवर ब्रिज बना रखा है लेकिन जाम जस का तस लगा है। तो पटना गोलंबर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, पटना गोलंबर की ये तस्वीरें हैं, किस प्रकार आप देखिए जो गाड़ियां चल रही हैं, गाड़ियों को कैसे ओवरटेक किया जा रहा है, और जो लोग जंक्शन से निकल रहे हैं उनको जाने में परेशानी हो रही है, जो कहीं और से आ रहे हैं उनको जाने में परेशानी हो रही है। जाम जो है यहाँ मिनट मिनट पर जाम लगता है और जिनको जहाँ जाना है उनको आने जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो पटना जंक्शन की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे, पटना गोलंबर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जो पटना गोलंबर है यहाँ पर की जो स्थिति है, यहाँ पर जो जाम का स्थिति है, यहाँ पर जो जाम की स्थिति है उसको उनको हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। किस प्रकार देखिए, किस प्रकार जो छोटे छोटे दुकान हैं वो यहाँ लगा हुआ है, नहीं रोड को किस तरह से इंक्लोज किया गया है, रोड तो काफ़ी चौड़ा बनाया गया है प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा रोड किस प्रकार चौड़ा बनाया गया है, और रोड चौड़ा बनाने के बाद जो यहाँ पर स्थिति है, जो रोड है उसका उपयोग गाड़ियों के लिए नहीं किया जा रहा है, जो दुकानदार हैं छोटे छोटे दुकानदार हैं वो यहाँ पर दुकानें लगाए हुए हैं, या जो बसें हैं वो वहाँ लगी हुई है, जो रिक्शा चालक है, जो ठेला चालक है वो अपनी दुकानें यहाँ लगा कर इस सड़क को किस तरह से इंक्लोज किए हैं। और मात्र अगर हम कहें स्टेशन जंक्शन जाना है उन लोगों को जाने के लिए मात्र एक कहा जाए तो 8 फीट का रास्ता मिलता है, और 8 फीट के रास्ते में भी जगह जगह पर जो है गाड़ी वाले अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं, जो दुकानदार हैं वो दुकान लगाए हुए हैं, तो जो राहगीर है उनको काफ़ी परेशानी, और राहगीर जो है उनको काफ़ी परेशानी होती है आने जाने में। और जो साफ तस्वीरें आप देख रहे हैं जंक्शन की, और जंक्शन का जो स्थिति है आप देख सकते हैं, हाल जंक्शन में भी किस प्रकार जो अतिक्रमण के कारण जंक्शन जो है, जंक्शन का ये गोलंबर एकदम सिमटा हुआ है, जाम लगा हुआ है, इसका कोई समाधान है? आप खड़ा है ऐसे, जाम लगा हुआ है, गाड़ी तो इमरजेंसी में ये रोक रखे हैं, नहीं आपको तो ये इमरजेंसी, ये लोग नहीं लग रहा है इमरजेंसी में, वो तो करियर है, दोनों चीज होना चाहिए सर, सरकार देख रहे हैं दोनों चीज से है, इस तरह से जाम है सर, कह रहे हैं आपको तो कहे कि साहब के पास रिक्वेस्ट कीजिए, आप वो जो रॉन्ग साइड से घुस रहा है वो लोगों को देखने वाला नहीं है, उसका सर वही रूट दिया गया है, उसका रूट दिया गया है वही, जाम को देखिए अगर नहीं देखिए, जाइए आप रुकिए, जाम को देखिए अगर नहीं देखिएगा, यहाँ जाम लगा हुआ है, क्या सर को देखिए अगर नहीं देखिएगा, यहाँ पर रुक जाइए, चालान ले लीजिए आगे, ये बताइए जाम जो यहाँ है उसको आप लोग क्या कर रहे हैं? जाम छुड़ा रहे हैं, और जहाँ मन तहाँ बस लग जा रहा है, क्या कहिएगा, ये जाम जो लगा रहता है हमेशा उसको लेकर, हाँ बस उसको लगा हुआ है इस तरह से, पदाधिकारी वहाँ छुड़ा रहे हैं, आप लोग तो कार्रवाई कर रहे हैं, पदाधिकारी ये जो जाम लगा रहता है बस उसका, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? सर हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, अभी भी देखिए पसीना निकला हुआ है, इतनी ना गाड़ी इस रोड में लोड है कि हम लोग सर परेशान है एकदम, तो हम लोग अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, सारी बस इधर से ही अलाउ है सर,
इसीलिए सारी बसें इधर से आ रही है। ठीक है, लेकिन जो बसें वहाँ खड़ी है, देखिए आपकी दो दो बस एक लाइन से खड़ी है, एक लाइन से सब बस चली जाती है, रुकती नहीं है, ड्राइवर तक नहीं है बस में, बसों में कई बसों में ड्राइवर नहीं बैठे हुए हैं, तो जाम तो लगेगा ही ना। देखिए किस प्रकार वो बसें ओवरटेक कर रहे हैं दूसरे को, ऐसा नहीं है, सब बस चलती रहती है। इसको आप लोग देखिए, बहुत जो लोग हॉस्पिटल आते हैं, एम्बुलेंस वाले हैं, सब इस जाम में परेशान एकदम। हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि थोड़ा भी कहीं किसी को डिस्टर्ब नहीं हो, सब लोग अच्छे से जाएं अपने अपने काम में। जीपीओ गोलंबर पटना जंक्शन की तस्वीर दिखाने के बाद कशिश न्यूज की टीम पहुंच गई है पटना के कारगिल चौक पर, और कारगिल चौक का नजारा आपको हम दिखा रहे हैं। किस प्रकार कारगिल चौक में भी जाम की जो स्थिति है वो बनी हुई है, जो जाम का समस्या है वो यहाँ भी बना हुआ है। अगर बात की जाए तो इस सड़क से जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सड़क जो आपको गाड़ियाँ रेंगती हुई नजर आ रही है, ये वो सड़क है जहाँ पीएमसीएच से जो लोग आते हैं, पीएमसीएच जिसको स्टेशन जाना हो, जिसको एयरपोर्ट जाना हो, जिसको बीठापुर बस स्टैंड जाना हो, जिसको गया जाना, जो भी लोग इधर से गुजरते हैं वो यही रास्ता है। लेकिन जो जाम है वो इस सड़क से जाने वाले लोगों का रास्ता रोक चुका है, रास्ता को रोका हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते किस प्रकार धीरे धीरे जो गाड़ियाँ हैं वो रेंगती हुई जा रही है। अभी शाम का समय है, शाम के समय में अभी जो है स्थिति यह है कि जो लोग हैं वो धीरे धीरे इधर से गुजर रहे हैं, और जो समस्या है वो जाम का। ये बताइए, पटना में आप रहते हैं, ये शाम का जाम का जो समस्या है, बहुत विकट समस्या है। हम लोग भी पटना में चलने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ता है, चलते हैं पर हिम्मत नहीं करता। अब ये समस्याएँ आए दिन बढ़ती ही जा रही है। ओवर ब्रिज का जाल बिछ गया, उसके बाद ओवर ब्रिज से भी वन लेन बना है, ओवर ब्रिज का भी जो बनावट है, हम यही गौर करते हैं कि एक लेन की ओवर ब्रिज है, लेकिन उसी लेन में दोनों तरफ की जो है गाड़ियां चलती है। अब बताएं, इसमें ऐसे स्थिति में जाम तो स्वाभाविक है लगना। आपको क्या लगता है कि जाम जो लगता है वो बड़ी बसों के चलते, या जो दुकानदार हैं, छोटे छोटे दुकान है, वो छोटे दुकान है जाम लग रहा है, क्या लगता है कौन जिम्मेवार है इसके लिए? सबसे पहला प्रशासनिक डिपार्टमेंट जिम्मेवार है, जो अपनी उगाही में लगा रहता है जाम को ट्रैफिक से छुड़ाने से मुक्ति की समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं। जिस तरह फोनवे होना चाहिए उसको टूवे कर दिया जाता है। सबसे ज़्यादा देखिए जाके बाड़ीपत का हाल, अशोक राजपथ का हाल देखिए, शाम के 4 बजे से रात के 10 बजे तक इतना टिपिकल हो जाता है कि पैदल आदमी चले ज़्यादा मंजूर है, लेकिन गाड़ी से न चले। यही हम आम पब्लिक से करते हैं, जब तक मेट्रो का काम क्लियर नहीं हो जाता तब तक सुगम रास्ता नहीं बन सकता पब्लिक के लिए। दिन पर दिन पर डे गाड़ी निकल रही है, लेकिन पब्लिक के लिए सुविधा नाम की कोई भी चीज़ नहीं रह गई है। सुविधा ये इतना विकराल हो गया है कि पैदल चलना ज़्यादा बेहतर है, गाड़ी से चलना आदमी तौबा कर लेगा। पटना की यह स्थिति अभी है। कितने दिनों से आप पटना में रह रहे हैं? हमारा तो भैया जन्मभूमि है। अच्छा, कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं पटना में? देखिए, बदलाव तो पहले से हुआ है नो डाउट, लेकिन जितना ट्रैफिक का बदलाव होना चाहिए उससे और ज़्यादा विकट परिस्थिति हो गई है। विकट परिस्थिति यूँ हो गई, अशोक राजपथ देख लीजिए, बाड़ीपथ देख लीजिए, देखिए शाम के 4 बजे के बाद क्या उगाही होता है। ठेला वाला रिक्शा वाला सुगाही होगा, लेकिन ट्रैफिक क्लियरेंस नहीं होगा। टेम्पू वाला लगा रहेगा गांधी मैदान थाने के पास पब्लिक को बैठने के लिए, लेकिन उसको हटाया नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ सुगाही होता है। अगर उस समस्या को मुँह पर से हटा दिया जाए तो सुगम परिस्थिति से गाड़ी आएगी और जाएगी। वो वन वे रास्ता है जबकि उसको टू वे कर दिया जाता है। क्यों? डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं जिम्मेवार है ना। आपको वन वे रास्ता दिया गया, वन वे आप करो, आप उसको टू वे कर लेते हो, उगाही करने के चक्कर में ट्रैफिक को लगा के रखते हो। ट्रैफिक वाला टेम्पू वाले उसे पर डे उगाही करते हैं। कहीं ना कहीं प्रशासनिक डिपार्टमेंट, अगर प्रशासनिक डिपार्टमेंट कठोर काम करे अपने जगह पर तो इतना समस्याएं नहीं रह जाएगी। जिस जगह पर एक टेम्पू दो टेम्पू खड़ा होते हैं वहाँ 20 टेम्पू खड़ा रहता है। चले जाइए आप गांधी मैदान कॉर्नर पर, आप देखिए वहाँ समस्या क्या है। चले जाइए अशोक राजपथ पर, अभी मेट्रो का काम चल रहा है, चलिए वन वे का ट्रैफिक तो चल रहा है, उधर समस्या कुछ समझ। लेकिन जहाँ मेट्रो का काम नहीं चल रहा है वहाँ जाम क्यों हो रही है? प्रशासनिक कहीं डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं तो है, जिस काम को कठोर दंड के साथ उसका उपयोग करेगा तो प्रशासनिक डिपार्टमेंट खुद ही क्लियरेंस कर देगा ट्रैफिक को, लेकिन इस पर ध्यान नहीं है। पब्लिक को जो है बेवजह परेशान करना और ट्रैफिक को दिखाना कि हमारे पास वर्क ज़्यादा है, वर्क नहीं है, जानबूझ के वर्क को पैदा किया जाता है। चलिए, जानबूझ को वर्क को पैदा किया जाता है। आप लोग कई सालों से पटना में रह रहे हैं, पटना को देख रहे हैं, क्या लग रहा है, कुछ सुधार हुआ है पटना में? क्या वही स्थिति है अभी कोई सुधार नहीं है। क्या लगता है सुधार होगा? विकट भविष्य में लग रहा है जोर शोर से उठाएगा तो तभी होगा, या नहीं होगा? क्या लगता है आपको? आप तो काफी दिनों से पटना में रह रहे हैं, पटना को देख रहे हैं, क्या लग रहा है, सुधार होने का संभावना है? दूर दूर तक नहीं दिखाई देता, दूर दूर तक हमें नहीं लगता कि जाम की समस्या से निजात हमें मिलेगी। आने वाले समय जो है और विकट लग रहा है।
हम लोगों को ये स्थिति है कि अगर कहीं ट्रेवल करनी है अपनी मोटरसाइकिल से तो बीच में कहीं खड़ी करके और पैदल चल के और अपने काम को निपटाते हैं। अभी भी मैं उसी स्थिति में जा रहा हूँ, हमारे पास गाड़ी है, पास में जाना है, लेकिन पैदल चल रहा हूँ। अब करूँ क्या, जाम चारों तरफ, उससे भाई निजात हमें मिलेगी कम से कम पैदल चल के, कुछ तो काम कर लेंगे। ये स्थिति है, ये आने वाले समय हमारा और अंधकार ही लग रहा है कि जाम से हम लोग कब निकल पाएंगे। देखिए बात, जो समस्या है वो जाम की, जो समस्या है वो पटना की तस्वीरें हमने दिखाई, पटना जीपीओ गोलंबर की, पटना जंक्शन की, और उसके बाद आपको कारगिल चौक की जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस प्रकार जो कारगिल चौक का इलाका है जो ये दानापुर की ओर जाता है रोड, उस सड़क को भी अगर देखा जाए, उस सड़क में भी गाड़ियां रेंग रही हैं, जो पीएमसीएच से रास्ता आता उस सड़क में भी गाड़ियां रेंग रही है, और जो जंक्शन की ओर जो रास्ता जाता है उस सड़क में भी गाड़ियां रेंग रही है। तो पटना का जो स्थिति है जाम का, पता नहीं भगवान ही मालिक है कब इस जाम से छुटकारा मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील के साथ दिवाकर तिवारी, कशिश न्यूज़, पटना।